Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. जो सीनियर नागरिक है, ज्येष्ठ नागरिक है महाराष्ट्र में, उनको जो धोरण शासन ने डिक्लेयर किया है उसकी अमल बजानी इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है और उसकी उससे ज्येष्ठ नागरिक को बहुत तकलीफ हो रही है। महाराष्ट्र में जितने भी ज्येष्ठ नागरिक है, नियर अबाउट 1,36,00,000, इतने ज्येष्ठ नागरिक होने के बाद भी ज्येष्ठ नागरिकों की जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से वो मिल रहे नहीं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा और जो सामाजिक परिस्थिति बदल हो गई है उसकी वजह से ज्येष्ठ नागरिक बहुत इसमें संकट में आ गए हैं। इसीलिए हमने अभी मोर्चा का प्रावधान किया है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने इसके बारे में हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है उनको 6-7 लेटर लिखा है, हमारे जो मंत्री महोदय बड़ोले साहब उनको 10 बार मिले, हम लोग उनको निवेदन दिया है, उनकी डिमांड का नोट लेटर दिया है और हमसे उनसे हर महीने में हफ्ते में उनसे टच में रहते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे साथ चर्चा करते हैं मगर उसका अभी तक कुछ फल निकला नहीं। हमें आपको बताने में बहुत खेद होता है कि हमें तो रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, पर क्या करेंगे, नाइलाज को क्या इलाज, मराठी में एक मन है, नाइलाज को क्या इलाज, इसकी वजह से हमको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। हमारा एज नहीं उतरने का, आई एम रनिंग 72, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 80, 85, 90 जो मोर्चे में आने वाले हैं उनको रास्ते पे क्यों आ रहे हैं। ये जो ज्येष्ठ नागरिक का यहाँ का जो वातावरण है, सुरक्षा हो, पेंशन हो, आरोग्य सुविधा हो, जो भी जो सरकार का कर्तव्य है देने का वो सरकार कर्तव्य निभा नहीं रहे, इसलिए हम संकट में आ गए और संकट में से मुक्त करने का एक ही इलाज है, उनके साथ जाके उनको निवेदन देना, हमारी डिमांड उनके सामने रखना और हम उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा जो मोर्चा निकलेगा कि सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 11 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है आउट ऑफ 1,36,00,000, 136 लाख में से 11 लाख लोगों को दिया जाता है। भारत सरकार से 14 लाख लोगों को पेंशन देने के लिए व्यवस्था है, उसमें विधवाएं हैं, अपंग है और वरिष्ठ नागरिक है, जो सभी सभी के लिए 14 लाख लोगों के लिए देने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा राज्य सरकार ये 14 लाख लोगों का पेंशन भी यूज नहीं कर सकता है, लोगों को लिए पेंशन देते हैं। अन्य राज्यों में जो भारत सरकार से पैसा आता है जितने लोगों के लिए उससे ज्यादा लोगों को पेंशन देते हैं, जैसे कि बिहार है, बिहार में 20 लाख लोगों को पेंशन आता है भारत सरकार से। राज्य सरकार अपने अर्थ संकल्प में व्यवस्था प्रोविजन करके एडिशनल 29 लोगों को, ऐसा टोटल 49,00,000 लोगों को पेंशन देता है। बिहार राज्य हमारे से बहुत छोटा राज्य है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट बिहार से बड़ा है, लोकसंख्या हमारी ज्यादा है उनसे। उसी तरह ओडिशा जैसा छोटा राज्य है वहां पर भी 48,00,000 लोगों को पेंशन दिया जाता है भारत सरकार से, वहां पर 22 लाख लोगों को पेंशन मिलता है क्योंकि ओडिशा में रूरल पॉपुलेशन 85% है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ओडिशा में रूरल ज्यादा है, इसलिए गरीबी ज्यादा है ओडिशा में वहां पर। और राज्य सरकार अपने अर्थ संकल्प में से एडिशनल लोगों को पेंशन देता है, उसी तरह आंध्रा में, तेलंगाना में देते हैं और ज्यादा कवरेज करते हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों में करीब करीब 70% ऐसे वरिष्ठ नागरिक बहुत गरीब है, उनको 10 समय का खाना नहीं मिलता है और ये लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम किया है उन्होंने देश के विकास में 70% उनका हिस्सा है, ये विकास में जो जीडीपी है उसमें 70% हिस्सा उनका है, ये इंडिया शाइनिंग है उनके कारण है। वो मजदूरी करते हैं, रास्ते बांधते हैं, बिल्डिंग बांधते हैं, वो नेशनल हेल्थ केयर मिशन में काम करते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं, छोटी छोटी महिलाएं, उनको कितना पगार देते हैं, पहले तो 800 रुपए देते थे, अभी थोड़ा कुछ पेंशन बढ़ाया है, पगार बढ़ाया है, कितना कम पगार मिलता है तो वो कुछ बचा नहीं सकते हैं, खर्चा ही करना मुश्किल होता है, बचा कुछ नहीं रहता है एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ, इसलिए ये लोगों को पेंशन देना आवश्यक है। यही बात हम बार बार कह रहे हैं, इसके लिए पेंशन परिषद के साथ मिलकर हम लोगों ने धरने भी लिए हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में भी, जंतर मंतर में भी। सरकार ने समय समय पर सिर्फ हाँ कहा है, लेकिन सिर्फ हाँ कहा है, बाकी कागजों के ऊपर कुछ नहीं किया गया। तो इसलिए हम सबकी मांग यही है
कि ये पेंशन उन्हें देनी चाहिए। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान बढ़ता जा रहा है, उम्र के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी सरकार ने भी ये करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस बुजुर्गों को देना चाहिए। राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत चार लोगों को कवर किया जाता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे आ जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता अलग रह जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई उनको भी उसमें आप इंक्लूड कर दीजिए, उनका फायदा उन्हें भी दे दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ अगर आप जीएसटी की बात करें तो आज एंडर केयर की जितनी भी ये एक्टिविटीज है, जो सामान है, उसके ऊपर 18% जीएसटी दिया जाता है, तो हमने ये भी कहा कि वो जीएसटी पूरी तरह से हटा देना चाहिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you